मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे सर। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लेरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष, मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा। हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना सर? जवाब देना सर। आपने कहा सर, जवाब देना। आपने ये कहा अग्नि, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि अग्नि सर, एक मिनट, मेरा नाम लिया सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। एक मिनट, अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूँ, ये काम सर। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई, सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। yes, yes. सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर ये सच है सर, और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। नो सर, ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक मिनट, माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, और ये मैं आपसे हंस रहे आप, ये तरीका आपका, आप बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। नो, आपने माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप नियम प्रक्रिया को पुराना पूरा पढ़ ले पहले, एक बार मुझे अच्छा लगेगा आप नियम प्रक्रिया को पढ़ लें। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।